अंशियांश नामदेव है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोडला से हूँ, जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़। आपके मॉडल का विषय क्या है? मेरे मॉडल का विषय संसाधन प्रबंधन है। और उपकथानक? मेरे मॉडल का उपकथानक स्मार्ट हाउस है, जिसमें ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, फायर अलार्म, लेजर सिक्योरिटी अलार्म, ओवरफ्लो अलार्म, घर का वेस्ट पानी खेतों में जाता है, वायरलेस टेस्टर, टेस्ला कॉइल, ये सब को मैंने लगाया है। ये आपने अपने मॉडल का कथानक जो है स्मार्ट हाउस क्यों दिया है? क्योंकि ये हर तरीके से स्मार्ट है, इसको हर चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें व्यक्ति को ज़्यादा कठिनाई करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ ऑटोमेटिक हो सकती है। तो आपने जो स्मार्ट लाइट सिस्टम लगाया है वो वर्क कैसे करता है? ये LDR के सिद्धांत पे वर्क करता है। जैसे ही LDR में अंधेरा होता है तो ये स्विच को ऑन कर देता है, जिससे बल्ब जलने लगता है, और जैसे ही LDR पे उजाला होता है तो ये स्विच ऑफ हो जाता है। यदि कोई, जैसे कि ज़्यादातर सरकारी विभागों में रात के समय में लाइट को चालू कर दिया जाता है और दिन में भी वो जलते रहता है, उसे बंद नहीं किया जाता, जिससे विद्युत की अनावश्यक खपत होती है। तो विद्युत की खपत को बचाने के लिए ये जैसे ही रात होगी ये लाइट जलने लगेगा, और जैसे ही दिन होगा तो ये लाइट अपने आप ऑफ हो जाएगा। क्या हम इसका उपयोग सड़क के किनारे लगे लाइटों में भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। आपने जो फायर अलार्म लगाया है वो कैसे कार्य करता है? फायर अलार्म में मैंने यहाँ पर एक सेंसर लगाया है, ये आग के संपर्क में आते ही स्विच को ऑन कर देता है, जिससे पूरे घर में अलार्म बजने लगता है और रेड लाइट जलने लगता है, जिससे घर वाले सतर्क हो जाएंगे और पूरे घर में पानी डलने लगेगा। हाँ, पूरे घर में जैसे ही आग लगती है पूरे घर में पानी गिरने लगेगा, जिससे आग बुझ जाएगी और अलार्म बजते ही घर वाले सतर्क होकर बाहर निकल जाएंगे और पानी पूरे आग को बुझा देगा, और जैसे ही आग बुझ जाएगा ये पानी गिरना बंद हो जाएगा। ये जो आपने अपने टंकी में पानी की बचत करने के लिए ओवरफ्लो अलार्म लगाया है वो कैसे वर्क करता है? जैसे ही पानी का लेवल बढ़ते जाता है टंकी में और ओवरफ्लो होने में थोड़ा सा समय बचता है, तब ये अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। ये दोनों वायर एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे घर में अलार्म बजने लगता है। और यदि कोई व्यक्ति बोर बंद करने के लिए नहीं है, या फिर बोर को चालू कर किसी काम में फंस गया है या कहीं चला गया है, तो ओवरफ्लो का पानी यहाँ पाइप के माध्यम से जाके हमारे खेतों में या गार्डन में सिंचाई होगा। ये सब ठीक है, लेकिन ये जो आपने टेस्ला कॉइल बनाया है ये कैसे कार्य करता है? ये विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे कार्य करता है। जब इसका स्विच को ऑन किया जाता है तो ये चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके संपर्क में यदि कोई वस्तु आता है तो उसमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है। ये बिना तार के माध्यम से करता है और इससे बैटरी से कम ऊर्जा में 200 ज़्यादा वोल्ट के बल्ब जलाए जा सकते हैं। खंभा लगाने में तार का बहुत ही ज़्यादा खर्च आता है, इससे खर्च बहुत ही कम हो जाएगा। तार के शॉर्ट होने से या खंभे गिरने से बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, इससे वो कम हो जाएंगे और ज़्यादा खर्च भी नहीं आएगा। अगर हमने स्कूल लगाया, ये सिस्टम हमने लागू किया, तो किसी व्यक्ति को करंट लगने का खतरा थोड़ी रहेगा? इसको व्यक्ति में करंट लगने का खतरा नहीं रहेगा, ये सिर्फ विद्युत वाली चीज़ों को प्रभावित करेगा। और आपने क्या लगाया है? लेज़र सिक्योरिटी अलार्म लगाया है, वो आपको लेज़र सिक्योरिटी अलार्म कैसे कार्य करता है? ये जैसे ही कोई
रात के समय या कहीं बैंक वैंक में जैसे ही चोरी करने के लिए अंदर घुसेगा तो एक अलार्म बजने लगेगा जिससे घर के लोग सतर्क हो जाएंगे और चोरी नहीं हो पाएगी। ओके चल, तो इसमें कोई व्यक्ति ही घुसेगा तो जलेगा कि अलार्म बजेगा कि चाहे कोई जैसे कि वस्तु है, घर का दरवाजा खुला रख देते हैं तो कोई जानवर बाहर से आके घुस जाता है, कोई भी चीज़ के अंदर घुसने में ये अलार्म बजेगा। और आपने क्या बनाया है? और मैंने ये वायरलेस टेस्टर बनाया है। हम जो टेस्टर यूज़ करते हैं उसको पूरा संपर्क में लाना पड़ता है, अंदर घुसाना पड़ता है, इससे यदि वो टेस्टर ख़राब हो जाता है तो व्यक्ति को करंट लगने का डर रहता है, पर ये टेस्टर बाहर से ही बता देगा। और जैसे कि कोई तार को चेक करना है इस टाइप से, तो हम उस टेस्टर से इसको चेक नहीं कर सकते, पर ये टेस्टर से इसको चेक कर सकते हैं। जैसे ही स्विच ऑफ होगा ये बंद हो जाएगा और ये चालू हो जाएगा। वो एक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये टेस्ला कॉइल? ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं अपने तारों में। ठीक है, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इसका उपयोग हम अपने घरों में, दफ्तरों में या सरकारी विभागों में कर सकते हैं। इसका क्या लाभ होगा? इससे विद्युत की बचत होगी, हमारा संसाधन, आजकल जल की बहुत समस्या हो गई है, इससे जल भी बचेगा, विद्युत की भी ज़्यादा अनावश्यक खपत नहीं होगी। खंभे से तार का जो लाइन गया रहता है उससे कई लोग चोरी कर लेते हैं विद्युत को, इससे वो भी नहीं होगा। और कम ऊर्जा से ज़्यादा बल्ब जला जा सकते हैं। घरों का वेस्ट पानी हम नालियों से बहकर वेस्ट हो जाता है, तो घरों का पानी को हम ये पाइप के माध्यम से लाके खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। क्या ये सभी घरों के लिए या सभी सरकारी कार्यालयों के लिए सुविधाजनक है? इसमें बनाने में इसको कोई परेशानी थोड़ी आएगी? इसको बनाने में कोई परेशानी नहीं है और कम खर्च में बन गया है। चलो ठीक है।